एक ही कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, माता पिता का, बच्चों का, एक ही कर्तव्य है कि खुद भी भगवत धाम जाए और बाकियों को भी भगवत धाम लेकर जाए। उसके लिए शरीर का निर्वाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू जी? उसके लिए शरीर का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज मुझे दिल्ली जाना है गाड़ी में, तो मैं गाड़ी का ध्यान रखूंगा, तो ये नहीं कि गाड़ी में फंस के रह जाऊंगा। गाड़ी का ध्यान क्यों रखूंगा प्रभु जी? क्योंकि कहां जाना है मुझे? दिल्ली जाना है। लक्ष्य क्या है? गाड़ी का ध्यान रखना, दिल्ली जाना। उसके लिए गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये कर्तव्य है। शरीर का निर्वाह कराना सिर्फ कर्तव्य नहीं, गलती मत पर बैठना, नरक जाओगे। पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता को पूतक नामक नरक से बचाता है। आपको तो ये भी नहीं मालूम लोगों को कि नरक होता क्या है, क्योंकि हमारे पिताजी भी पुत्र नहीं बन पाए। हमारे पिताजी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपने पिता की, वो भी पुत्र नहीं बन पाए। वो अपने पिताजी, माता पिता को नहीं तार सके पुतक नामक नरक से। मेरे दादाजी नहीं बन पाए, मेरे परदादाजी नहीं बन पाए, और कितनों के बन पाए ये आप अपने आप दिमाग लगा के सोच लीजिए। कितने माता पिता जो कि पुत्र थे पहले, क्या थे प्रभु जी? पुत्र वो जो पुतक नामक नरक से अपने माता पिता को तार दे, वो पुत्र कहलाता है। आपने क्या किया है बताइए प्रभु जी? क्या किया आपने? गाड़ी लेके दी कि माता पिता को पिक्चर ले जाएंगे। क्या करेंगे? पिक्चर ले जाएंगे, उल्टा सीधा खाना खिलाएंगे, मीट मच्छी अंडा ये सब खिलाएंगे। क्या पुत्र है नरक का रास्ता निकाल रहा है। और माता पिता अगर ये नहीं समझेंगे तो भी पुत्र को जोड़ लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर माता पिता ने पढ़ाई ना करी हो और बच्चा डॉक्टर बन जाए, पिता को डायबिटीज है, पिता कहता मैं तो मीठा खाऊंगा, तो बेटा क्या करेगा बताइए आप मुझे? खाने देगा कि हाथ पैर बांध देगा? हाथ पैर बांध देगा। अगर असली बेटा है तो क्या करेगा प्रभु जी? हाथ पैर बांध देगा। इसी तरीके से अगर आप असली मनुष्य हो और अगर धर्म का पालन करना जानते हो और कर्तव्य धर्म बताता है कि धर्म बताता है कर्तव्य क्या है, तो अपने माता पिता को भी पकड़ के रखोगे, नहीं भक्ति करनी पड़ेगी। शरीर का ध्यान रखने में तो सब लोग उत्तेजित रहते हैं। धर्म पत्नी है, वो पत्नी नहीं है। क्या होती है प्रभु जी? पहला शब्द क्या है? पत्नी धर्म या धर्म पत्नी? धर्म के आधार पर पत्नी होती है। और आजकल तो पत्नी पत्नी है, धर्म तो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? प्रॉब्लम ये है, अगर आप भगवान कृष्ण को और ये चीज को बात को ध्यान रखोगे कि मुझे कृष्ण भक्ति ही मेरे लिए मेन चीज है, बाकी चीजें सब सपोर्टिव हैं, अपने आप सब चीजें सही हो जाएंगी। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग इस चीजों को नहीं समझ पाते। आप सुनते रहिए, चिंता मत करिए, सब चीजों का उत्तर मिलेगा, परंतु सुनना पड़ेगा। मैं आपको 5 मिनट में सब कुछ नहीं समझा सकता, परंतु जितनी कोशिश करूंगा उतनी समझाने की। आप सुनते रहेंगे, आप समझते रहेंगे।